Hello everyone, in this class or lesson we will continue our chapter number 10th, the class standard from RBSC syllabus, which was the locus. And in this chapter, some of the portions we have already discussed in the previous video. So first of all, check the last video. If you have completed the last, then you will continue it. Okay students, so let's start from the next point in this last class. Some of the points we have already discussed up to the 8th point. Now I'm starting from the 9th. Our 9th point is the locus of, let's suppose a statement is given like this, what will be the locus of 2 points which are situated at the maximum distance on the circumference of the circle. मतलब ऐसे दे रखा है कि कोई एक सर्कल है, इसके ऊपर दो पॉइंट कुछ इस टाइप से लिए जाएं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस पे, दो पॉइंट ऐसे लिए जाएं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम हो. क्लियर? तो अब इनको ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो लोकस बनेगा वो क्या होगा, इसको बोलेंगे अपन क्या, डायमीटर. बात समझ में आई? तो मैं मेंशन कर लिखता हूं यहां पे, आप कॉपी कर लेना. द लोकस ऑफ टू पॉइंट लाई ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विच आर विच पासिस थ्रू द सेंटर. Is a diameter. Got it? What I said? The locus of 2 points lie on circumference of a circle which passes through the center of the circle is known as the diameter. Clear? दो पॉइंट जो कि सर्कमफेरेंस पे है और वो सेंटर से यदि पास होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, डायमीटर. क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा ये सभी को पता बहुत छोटा सा है, लोकस ऑफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इज ए ट्रायंगल. मतलब मान लो कि ये तीन कोई पॉइंट है, 1, 2 और 3. अब इनका लोकस क्या होगा, इनको ज्वाइन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल. ये बहुत सिंपल सा केस है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11. चलो पॉइंट नंबर 11th ये रहेगा, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट. विल बी ए सर्कम सर्कल. देखो अब इसको एक्सप्लेन करता हूं.
द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट इज फाउंड टू बी ए सर्कम सर्कल। मान लो ये तीन कोई नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है यहां तक। अब इनको यदि अपन ज्वाइन करवाएंगे, फिर ज्वाइन दिस पॉइंट, देन इट विल बी ए ट्राइंगल। अब मैं कोई एक ऐसा पॉइंट लेता हूं जो इन सेंट इन सभी से वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स से, मतलब ये तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट हुए, इनसे इक्वी डिस्टेंस है। तो अब इसका जो लोकस बनेगा वो ये बनेगा, और ये तीनों वर्टेक्स से पास होगा सर्कल के, और इस टाइप के सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 12th, विच इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज विल बी ए विल बी एन इन सेंटर इन सर्कल, इन सर्कल होगा। देखो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज फाउंड टू बी एन इन सर्कल। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई पॉइंट है जिस जो तीनों साइड से, यहां से ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल है। तो अब इन पॉइंट से होते हुए यदि अपन कोई लोकस ड्रॉ करना चाहें तो वो क्या बनेगा, एक इन सर्कल बनेगा जो ट्राइंगल के अंदर से पास होगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 13th का पॉइंट अपने पास रहेगा, ट्राइंगल की कुछ बेसिक वोकैबुलरीज हैं, पहले अपन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक ट्राइंगल में ट्राइंगल देखो अपने पास होते हैं थ्री टाइप्स के, वैसे तो टोटल सिक्स, टू टाइप पे बेस्ड होते हैं। एक तो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन साइड, एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड पे अपन डिस्कस करें तो ट्राइंगल अपने पास होते हैं थ्री टाइप्स के, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड इफ यू विल डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल विच आर बेस्ड ऑन एंगल, तो अपन कहेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं, देखो ट्राइंगल में चार पॉइंट अपने कुछ कुछ डिस्कस किए हुए होते हैं, उनको बोलते हैं मीडियन, एल्टीट्यूड और अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक और क्या बच गया, मीडियन हो गई, एल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और क्या रह गया, एक मीडियन एंगल बाइसेक्टर, ये चार चीजें रही हैं। देखो मान लो पहले अपन बात करते हैं मीडियन क्या होती है, ये लिखना नहीं है, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट इन ए ट्राइंगल इन सच ए वे दैट, और वी कैन से दैट ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, मतलब इसके जो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होगा, मान लो कि ये है, इनको यदि अपन ज्वाइन करवाएं तो ये लाइन सेगमेंट जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। एंड वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम थ्री मीडियंस इन ए ट्राइंगल, एक मीडियन यहां से हो जाएगी और एक मीडियन यहां से हो जाएगी, और इसको बोलते हैं जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्लियर है बात यहां तक। सेकंड, अब मैं लेता हूं एल्टीट्यूड, पहले तो एल्टीट्यूड होता क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। एल्टीट्यूड एक्चुअल में इन ए ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, मतलब ट्राइंगल में कोई मान लो कि ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, इस वर्टेक्स से इसकी जस्ट अपोजिट साइड पर यदि अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसको क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड। क्लियर है बात यहां तक। सिमिलरली वी कैन ड्रो थ्री एल्टीट्यूड्स, मैक्सिमम थ्री एल्टीट्यूड्स इन ए ट्राइंगल, एक यहां से इस साइड पे ड्रो हो जाएगा
और इस वर्टेक्स से इस साइड पे भी ड्रॉ हो सकता है। क्लियर बात यहाँ तक? कभी कभी क्या होता है, एल्टीट्यूड को बेसिकली हाइट भी बोला जाता है एक ट्राइंगल में। यदि ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें सिर्फ आप एक ही एल्टीट्यूड ड्रॉ कर पाओगे जो कि ये होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ हो रखा है और दूसरा भी यहाँ से 90 डिग्री तो मतलब होता है ना कि भाई अपोजिट साइड पे, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल ये हो गया। बात समझ में आई? थर्ड चलते हैं। यदि आपके पास ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दे रखा है मान लो कुछ इस टाइप से, उस सिचुएशन में एक एल्टीट्यूड तो ये हो गया, दूसरा एल्टीट्यूड देखो इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का, तो इसको आगे प्रोड्यूस करवाएंगे कुछ इस टाइप से, ये ड्रॉ होगा। क्लियर बात यहाँ तक? और इस साइड पे यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इसको आगे प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, एंड देन वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन इट। तो अब आप अक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों आपके जो एटीट्यूड्स होते हैं वो इसके इंटीरियर पोर्शन में एग्जिस्ट करेंगे, एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन ड्रॉ ओनली वन एल्टीट्यूड, एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वन एल्टीट्यूड एग्जिस्ट इन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड रिमेनिंग टू एल्टीट्यूड्स विल बी एग्जिस्ट ऑन द एक्सटीरियर और द आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, थर्ड पे चलते हैं। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थोसेंटर। क्लियर है बात यहां तक? तो ये इसका ऑर्थोसेंटर होता है और यहां इनको प्रोड्यूस करवाने पे ऑर्थोसेंटर मिलेगा। ये थोड़ा सा यू मान लो कि डायग्राम शायद गलत हो सकता है, वरना ये मतलब ये बाहर रहेगा ऑर्थोसेंटर। क्लियर है? अब चलते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मान लो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी भी एंगल का एंगल को बाइसेक्ट डिवाइड कर दो टू इक्वल पार्ट में, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर हो गया और ये इसका बाइसेक्टर हो गया। क्लियर बात यहां तक? और इस पॉइंट को कहेंगे अपन इनसेंटर, मतलब एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं इनसेंटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लेट सपोज दिस इज अ ट्राइंगल और हम ट्राइंगल के तीनों साइड्स के ऊपर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं इसके सेंटर पॉइंट से, मतलब इसके साइड को अपन बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ में, तो ये साइड ऐसे डिवाइड होगी, ये साइड ऐसे डिवाइड होगी और ये साइड कुछ ऐसे डिवाइड होगी, तो ये तीनों होंगे इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। तो ये चार छोटी छोटी बातें थी। पहला था अपना मीडियन क्या होती है, सेकंड अपना एल्टीट्यूड क्या होता है, थर्ड एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और फोर्थ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 13 पे। बस यही लिखना है, पहले बात करते हैं इनसेंटर क्या होता है। इनसेंटर होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिनिमम टू हो सकते हैं और मैक्सिमम थ्री हो सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिनिमम टू एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, क्योंकि दो यदि एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट, मान लो ये ट्राइंगल है इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली थर्ड वाला भी यहीं से पास होगा, तो आप मिनिमम टू ले सकते हैं और मैक्सिमम तो अवेलेबिलिटी थ्री की है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इनसेंटर। क्लियर है बात यहां तक?
चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा? सरकम अभी मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इज नॉन एज या कोल्ड एज, सरकम सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, पॉइंट नंबर 15, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। और लास्ट बचा अपने पास ऑर्थो सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट पोजिशन रहता है वैसे, ये जब अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे ना तो उस सिचुएशन में लिखा हुआ मिलेगा, ड्रॉ इन सेंटर इन सर्कल। इन सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमें कौन सी कंडीशन को फॉलो करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा तो हमें कौन सी कंडीशन को फॉलो करना, उस सिचुएशन में अपनी हेल्प करेंगे। बेसिकली 10th में भी रूट वैल्यूज में अपनी हेल्प करते हैं, लेकिन 14th चैप्टर की कंस्ट्रक्शन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट पॉइंट रह गया अपना ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखो, ऑर्थो सेंटर अपने पास होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये जो चार पॉइंट लिखवाए इनसे पहले अपने को कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो क्या है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, उसके बाद में मीडियन क्या होती है, और उसके बाद में अपना एल्टीट्यूड क्या होता है। तो मैं एक बार वापस से रिपीट करना चाहूँगा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और जहाँ पर मिनिमम टू एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हों उस पॉइंट को अपन कहेंगे इन सेंटर। क्लियर है बात यहाँ तक? सर्कम सेंटर क्या होता है? व्हेन एवर वी डिवाइड साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इक्वल पार्ट एट राइट एंगल, देन दिस इज नोन एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, एंड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज द सर्कम सेंटर। एंड आफ्टर इट मीडियंस क्या होती है? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। ये मीडियन होंगी, और जहां पे दो मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? सेंट्रोइड। नेक्स्ट अपना बचता है लास्ट, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होगा ए लाइन सेगमेंट, और वी कैन से दैट ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स। मीन्स ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे यदि 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दें अपन, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब ये ड्रॉ कर दे, तो फिर ये जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर। क्लियर स्टूडेंट? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी शैल स्टार्ट द थ्योरम पोर्शन ऑफ द लोकस, बट सम पॉइंट्स आर रिमेनिंग, दीज आर माइनर, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज ऑल्सो। ये मान लो कि आपके पास कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें अपन मीडियंस ड्रॉ करें तो ये मीडियन हो गई, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया आपका सेंट्रोइड, ठीक है। अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ऐसे करके, तो ये हो गया आपका
सर्कम सेंटर। क्लियर है? मान लो अपन ने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, ये लो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे इन सेंटर, और अपन ने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए ऐसे करके, ये अभी मान लो इसमें कचरा हो रखा है, इसको बोलेंगे अपन ऑर्थो सेंटर। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड सभी के सभी क्या होंगे, इसके अंदर ही होंगे। क्लियर है बात यहां तक? मतलब कुछ भी बाहर नहीं होगा, कुछ भी साइड पे नहीं होगा, जो भी ये जो चारों जो पॉइंट हैं आपके वो सारे के सारे कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इनसाइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर एग्जिस्ट इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है बात यहाँ तक? अब अपन थोड़ा सा लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे तो फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप अपन साइड बेसिस पे बात करते हैं। साइड बेसिस पे बात करें तो यू मान लो कि मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल, ध्यान रखना ये थोड़ा सा स्पेशल केस बनेगा, ये दोनों इक्वल साइड है। तो यदि मैं इसमें ये जो चारों पॉइंट ड्रॉ करना चाहूं तो यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये इसका परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब एल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और तीसरा और क्या बच गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और एल्टीट्यूड भी होगा, चारों हो गए। तो यही होगा, और जो जितने भी पॉइंट बनेंगे अब ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, वो चारों पॉइंट ये सभी के सभी इस परपेंडिकुलर पे होंगे, याद रखना। और अपन बोल सकते हैं ये चारों क्या होंगे, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझ गए ना, मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, उनका मतलब कोलिनियर होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चारों पॉइंट इस एक लाइन पे या इस एक साइड पे एग्जिस्ट करेंगे। इसको अपन चाहे तो एल्टीट्यूड बोल दो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो, चाहे आपके मीडियन बोल दो, और चाहे आप एंगल बाइसेक्टर बोल दो। और ये ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में, तो इसके बारे में एक थ्योरम है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे। अब लेते हैं अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसके लिए जो भी होगा, यही एंगल बाइसेक्टर, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही आपका एल्टीट्यूड, और यही आपका क्या बच गया, एक और एल्टीट्यूड। क्लियर? सेकेंड बात करेंगे तो ये इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, मतलब कि इसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही होगा, एल्टीट्यूड भी यही होगा, और मीडियन भी यही होगी। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो यदि हम इसको मीडियन कंसिडर करें तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। इसको मीडियन कंसिडर करें तो ये सेंट्रॉइड हो गया। यदि हम इसको, ये मीडियन की सिचुएशन में, यदि हम इसको एल्टीट्यूड कंसिडर करें तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। यदि हम इसको एंगल बाइसेक्टर कंसिडर करें उस सिचुएशन में, ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर कंसिडर, तो ये हो गया आपका इन सेंटर। और यदि हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसिडर करें तब आपका ये क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। मतलब कहने का मीनिंग ये हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सेंट्रोइड और इन सेंटर, वो सभी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, मींस सारे के सारे कोइंसिडेंस पॉइंट होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप बस समझ जाना, इसके रिगार्डिंग अपने काफ़ी सारी थियम्स रहेंगी तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इजीली कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट इन दिस लेसन, or it is enough the today's class. So the remaining portion will start, or the theorem portion will start from the next class.